हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए समाज के ऊपर समाज से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो हमारे समाज जो चैप्टर है हमारा उससे रिलेटेड है, जो हमारा हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो हमें इस सही विकल्प चुनकर उत्तर देने हैं। तो सीरीज की शुरुआत करते हुए क्वेश्चन नंबर 1, समाज शब्द का अर्थ है। इसमें पूछा गया है समाज शब्द का अर्थ। ऑप्शन नंबर 1 विस्तार, ऑप्शन नंबर 2 संक्षेप, ऑप्शन नंबर 3 लोप, ऑप्शन नंबर 4 विलोपन। आपको बताना है समास का अर्थ। विस्तार है, संक्षेप है, लोप है, विलोपन। जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 संक्षेप। समास शब्द का जो अर्थ है वो है संक्षेप। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समास के भेद कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 8। आपको बताने समाज के भेद 5 6 4 8 कितने होते हैं। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 6। समाज के 6 भेद होते हैं। अगला है अपना पराया में समास होगा। आपको बताना है अपने पराया में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे अपना पराया, माता पिता, ऐसे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिकोण शब्द में समास होगा। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। आपको बताना है त्रिकोण शब्द में कौन सा समास है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 द्विगु समास। त्रिकोण शब्द में समास है जो है वो है द्विगु समास। दोस्तों, आप समास की फर्स्ट सीरीज देख सकते हैं, जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। समास की पहली सीरीज में मैंने आपको 6 के 6 समास के बारे में पढ़ाया है, समझाया है। तो आप, अगर आपको समास नहीं आते हैं या आप समास पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप मेरी फर्स्ट सीरीज जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट सीरीज में मैंने सभी समासों को पढ़ाया है और उनका मीनिंग समझाया है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है पहली वीडियो की। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरी फर्स्ट वीडियो समास की देख सकते हैं। अगर आपको यह नहीं पता है ये कैसे लगाए जा रहे हैं या इनका मीनिंग, द्विगु, इनके बारे में पढ़ना है, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लंबोदर शब्द में समास होगा। लंबोदर शब्द में समास कौन सा होगा। क्रमधारय समास, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्विगु। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 बहुव्रीहि समास। लंबोदर में, लंबोदर जो शब्द है उसमें जो समास है वो है बहुव्रीहि समास, क्योंकि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद मिलकर, दोनों पद जो होते हैं, जो पहला और दूसरा पद होता है वो मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं या उसकी तरफ संकेत करते हैं। लंबोदर, जैसे लंबा है उदर जिसका, यह
पहला पद, दूसरा पद और वह संकेत कर रहे हैं अर्थात गणेश। तो इसलिए इसमें बहुव्रीही समास है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महादेव शब्द में समास होगा। महादेव शब्द में समास आपको बताना है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विगु। महादेव शब्द में समास। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास, क्योंकि महान है जो देव, सभी देवों में जो महान है जो देव, इसलिए इसमें कर्मधारय समास है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीलांबर शब्द में समास होगा। नीलांबर शब्द में समास आपको बताना है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विगु। कौन सा समास होएगा? इसका है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 1। नीला है अंबर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नील गगन शब्द में समास कर्मधारय समास, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या द्विगु। आपको बताना है नील गगन में समास कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास, नीला है गगन। यहाँ पर इसकी बताया जा रहा है नीला है, कैसा है गगन, नीला, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस समास का पूर्व पद संज्ञावाचक होता है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विगु। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 द्विगु समास। जो द्विगु समास होता है उसका पूर्व पद, पहला पद संज्ञावाचक होता है। मैंने आपको बताया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया पहली वीडियो की, उसमें इन सभी समासों के बारे में बताया गया है, जहाँ से आप इन सभी समासों को पढ़ सकते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? कर्मधारय समास, द्वंद समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 द्वंद समास। द्वंद समास में जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, मैंने ऊपर बताया था माता पिता, अपना पराया, ये सब द्वंद समास के उदाहरण हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस समास का पूर्व पद विशेषण होता है? आपको बताना है विशेषण कौन सा होता है पूर्व पद। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास। इस समास का जो पूर्व पद, पहला पद होता है वो होता है विशेषण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस समास का पहला व दूसरा पद प्रधान हो न होकर तीसरा पद प्रधान होता है? कर्मधारय समास का, बहुव्रीही समास का, अव्ययीभाव समास का, द्विगु समास का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 बहुव्रीही समास। इस समास में न ही पहला पद प्रधान होता है, न ही दूसरा, वह मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं, वह प्रधान होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का आपको बताना है कौन सा उदाहरण है। माता पिता, राम लक्ष्मण, चौराया या सज्जन। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 चौराया। चौराया द्विगु समास का उदाहरण है। चार राहों का समूह चौराया, यह द्विगु समास का उदाहरण है। अगला है, निम्न में से कौन सा द्वंद समास का उदाहरण है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा द्वंद समास का उदाहरण है। माता पिता, राजपुत्र,
चौराहा सज्जन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसे आपको चूज करके कमेंट करना है। आपको सभी क्वेश्चनों पर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, माता पिता। यह द्वंद समास का उदाहरण है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? चंद्रशेखर, दशानन, गजानन, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चंद्रशेखर, मिस चंद्रशेखर का मीनिंग है चंद्रमा है सिर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। दशानन, दस हैं जिसके मुंह या आनन, अर्थात रावण। गजानन अर्थात गणेश। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिदिन में समास होगा, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, इनमें से कोई नहीं। प्रतिदिन में समास आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन शब्द में जो समास है वो है अव्ययीभाव समास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह मुक्त में समास होगा, आपको बताना है वह मुक्त में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद समास। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है तत्पुरुष समास। आपको समझना है तत्पुरुष समास क्यों है। व्यय मुक्त का जो अर्थ है वो है व्यय से मुक्त, जहाँ पर कारक चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जैसे व्यय से मुक्त मिस कर्ता ने कर्म को, तो इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है, इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। इसलिए विश्व को धारण करता है जो, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान महावीर, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है इस क्वेश्चन का सही आंसर, विश्व को धारण करता है जो, तो आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, भगवान शिव। विश्व को जो धारण करता है वो है भगवान शिव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री शब्द में समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कर्मधारय समास। क्योंकि मंत्रियों में जो प्रधान है, प्रधानमंत्री, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। अगला है बी, जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। महाकवि में समास होगा, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि। महाकवि में कौन सा समास है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कर्मधारय समास। महाकवि शब्द में जो समास है वो है कर्मधारय समास। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल चैनल नेम नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी क्वेश्चनों के आंसर चूज करके कमेंट करें। और आपने अगर मेरी फर्स्ट सीरीज नहीं पढ़ी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ पर जाकर आप मेरी फर्स्ट सीरीज देख सकते हैं। धन्यवाद।